and see you stand and speak. I couldn't speak so confidently 30 years back when I came here. So I feel the journey is much smoother for you. I saw your dreams. Somebody said, I want to become what? Business corporate. I want to become food technologist. There were many borrowed terms. Nahin. Kuch bolna hai, to bol gaye hain. Lekin yahin se kahani shuru hoti hai. Ki hamara dream kya hai? Ultimately, kahan pahunchna chahte hain hum? Aur kaun pahunchayega? Main aapke chehron mein chamak dekhta hoon. Confusion dekhta hoon, ignorance dekhta hoon. Bada achha lag raha hai ki aapko pata nahi hai ki ye dream kaise reality mein badlenge. Aaj ka ek din kaise landmark ban jayega aapke jeevan mein aur phir 4 saal ke baad lagega aha kaise beet gaya ye aur kya mil gaya mujhe. Main usi ke bare mein batana chahta hoon ki ye Pantnagar jiske bare mein hamare professors ne kaha hai ki bada unique brand hai agriculture education mein. Brand samajhte hain? Sabun ka brand hota hai nahi, perfume ka brand hota hai. कहता है ये ज़्यादा खुशबू देता है, ये ज़्यादा देर तक रहता है. हमारा ब्रांड जो है हमारा कोर्स करिकुलम है, हमारा ब्रांड है हमारा टीचिंग मेथडोलॉजी. हम खाली क्लास में लेक्चर नहीं लेते हैं, उसके अलावा भी कुछ करते हैं. ग्रुप डिस्कशन भी कराते हैं, हम रोल प्ले भी कराते हैं, हम दूसरे तरह से भी लोगों को पढ़ाते हैं. दुनिया में बड़े अनोखे अनोखे मेथड्स निकल गए हैं पढ़ाने के. सो वी हैव दैट, वी आर फेमस फॉर दैट. तो एक ये ब्रांड है कोर्स करिकुलम से. पाठ्यक्रम अनूठे हैं. कहते हैं पंतनगर के पाठ्यक्रम ऐसे हैं जिसमें साइकोलॉजी भी पढ़ना होता है, सोशियोलॉजी भी पढ़ना होता है, एग्रीकल्चर भी पढ़ना होता है, इंजीनियरिंग भी, एनिमल हस्बेंड्री भी. एक फिशरी का स्टूडेंट, आपको आश्चर्य होगा, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पीडियाट्रिक्स में PhD पोस्ट डॉक्टरेट कर रहा था. कहने का मतलब इतने तरह के विषय पढ़ा दिए जाते हैं, ऐसा एक्सपोजर कर दिया जाता है कि हायर लेवल में किधर से किधर भी जाया जा सकता है. कोई अफसोस नहीं कि मेडिकल नहीं हुआ, कोई अफसोस नहीं कि इंजीनियरिंग नहीं हुआ, यहाँ से भी कहानी शुरू हो सकती है. तो एक कोर्स करिकुलम अनूठा है, ये चूचू का मुरब्बा है, हर तरह के इसमें कंपोनेंट्स हैं और एक कंपोनेंट्स के बारे में बताएंगे. दूसरी बात, हमारा ब्रांड जो है वो है हमारा वर्क कल्चर, कार्य संस्कृति. किस तरह से हम यहाँ रहते हैं, किस तरह से काम करते हैं, कौन सी टाइमलीनेस है, और ये हमें वो बना देता है कि बाहर निकलते तो कहते ये पंतनगर वाला है. HCL में भी जाइए, नोएडा में, तो वो अलग से कहते हैं. ये खाली एग्रीकल्चर की बात नहीं है, ये कॉरपोरेट सेक्टर में भी हो गया. कहते हैं पंतनगर वाला इससे अलग रहो, ये ज़्यादा काम करेगा, ये ज़्यादा सिंसियर है. दिस इज़ इन आवर वर्क कल्चर, द वे वी ऑपरेट ओवर हियर. एनीवे, मैं आपको बताता हूँ खाली कोर्स करिकुलम के बारे में कि हमारा कोर्स करिकुलम कॉम्प्रिहेंसिव है, कई तरह के विषय हैं. एक लड़का है मलेशिया में हमारे बैच का, वो लॉ, लेबर लॉ का कंसल्टेंट है. मैंने उससे पूछा तू कैसे बन गया लेबर लॉ का कंसल्टेंट, पढ़ा तो था BSc. जी, उसने कहा ये जो PCP किया था ना, यहाँ वर्क प्रोग्राम किया था और PCP किया था, खेत, धान के खेत में जो काम किया था, लेबरर्स के प्रति बड़ी सहानुभूति हो गई थी, और यहाँ आके लॉ किया मैंने और उनके लिए केस लड़ता हूँ, बड़ा मज़ा आता है जब वो जीतते हैं. वंडरफुल. लाइफ कैन टेक एनी शेप बिकॉज यू हैव रेड कोर्सेज दैट गिव यू सेंसिटिविटी फॉर मेनी थिंग. हमारे जो कोर्सेज हैं वो प्रैक्टिकल फोकस्ड हैं, व्यावहारिक हैं. थ्योरी है तो उससे जुड़ा हुआ प्रैक्टिकल है. यहाँ एग्रोनॉमी पढ़ाया तो जा करके प्लांट्स दिखाएंगे फील्ड में ले जाके, सिर्फ कहानियाँ नहीं सुनाएंगे. कहते हैं 1960 में जब पंतनगर बना था तो ये पहला कृषि का विश्वविद्यालय था और कृषि का महाविद्यालय था जहाँ कृषि को प्रैक्टिकल के रूप में पढ़ाया जाता था, इतिहास के रूप में नहीं, कविता के रूप में नहीं. सबसे बड़ी बात है कि हमारे कई कोर्सेज ऐसे हैं एक्सपीरियंशियल हैं, जिनमें आपका इन्वॉल्वमेंट लगता है, जिसमें आपको इंडस्ट्री में जाना होगा, गांव में जाना होगा, कुछ करना होगा. सो खाली पढ़ाई, खाली कोर्स तक सीमित नहीं है. वी हैव अ स्ट्रॉन्ग कोर्स करिकुलम व्हिच इज डायनामिक. अभी अभी एक साल पहले हमने बदला है इसे और इसमें कई नए कंपोनेंट्स डाले हैं. लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, थोड़ा सा कोर्स करिकुलम के बारे में, नई भाषा सीखनी पड़ेगी. ये लैंड ग्रांट पैटर्न हमने अमेरिका से लिया था, तो कोर्स नंबर आपने देखा था जब भरे थे कार्ड, तो कोर्स नंबर था AAC 300, तो उसका भी कुछ मतलब होता है. ये नई भाषाएं समझनी पड़ेगी. क्रेडिट का मतलब होता है कितने घंटे पढ़ाए जाएंगे, लेक्चर माने एक घंटे का, प्रैक्टिकल माने 3 घंटे का, ट्यूटोरियल माने 2. इन सब के अपने अपने मतलब हैं. ग्रेड, ग्रेड पॉइंट एवरेज, OGPA, ये नई भाषा जितनी जल्दी सीख जाएँ सिस्टम में रचने बसने में उतना ही अच्छा लगेगा. 3 मेजर तरह के कोर्स हमारे पास हैं. एक को कहते हैं रेमेडियल कोर्स, जो नहीं पढ़ा, जिसके प्रति कोई एक्सपोजर नहीं है,
वो आपको पढ़ना पड़ेगा। एग्रीकल्चर से आए हैं तो आपको कुछ ऐसे कोर्सेज पढ़ने पड़ेंगे जो एग्रीकल्चर में नहीं पढ़ा है। बायोलॉजी से आए हैं, मैथमेटिक्स से आए हैं। दूसरे तरह के कोर्स कहते हैं बेसिक सपोर्टिंग कोर्सेज, जो दूसरे विषयों से भी हो सकते हैं, माइक्रोबायोलॉजी से भी हो सकता है, बायोकेमिस्ट्री से भी हो सकता है, इंजीनियरिंग से भी हो सकता है, जो सपोर्ट करे आपको। और थर्ड है कोर कोर्स, जो आपके डिपार्टमेंट्स हैं, BSc AG या फूड साइंस जो आपने चुना है, और उनके डिपार्टमेंट वाले कोर्स वो पढ़ने पड़ेंगे। तो अद्भुत कॉम्बिनेशन है ये तीन तरह के कोर्सेज का। मैं जो पंतनगर की तारीफ करूँगा, क्योंकि मैं यहीं से पढ़ा हूँ, और दूसरे जो तारीफ करते हैं विश्व भर में, वो है पंतनगर का करिकुलम में लर्निंग बाय डूइंग का महत्व है, करके सीखना। एक कोर्स है वर्क प्रोग्राम, रजिस्टर किया वर्क प्रोग्राम के लिए। मजाक से हम कहते हैं घास छीलना, लेकिन वो घास छीलना नहीं है, डिग्निटी ऑफ लेबर। सफाई करते हैं, खुरपी चलाते हैं, कुदाल चलाते हैं, ये दिया गया है ताकि आपको समझ में आवे कि ये करना कितना कष्टकर है, क्या लेबर लगता है, और कैसे अपने आप को लेबर के प्रति ओरिएंट करें। ये बुरी बात नहीं है। डॉक्टर की तरह प्लांट हेल्थ क्लिनिक में आप डायग्नोसिस करेंगे, किसानों के प्रश्न के उत्तर देंगे, कैमरे की तरह नहीं, मेरी तरफ देखो ना, बड़ा ज़रूरी है ये सुनना, आज तो पहली शुरुआत है। तो मेरे कहने का मतलब है कि हम लर्निंग बाय डूइंग वाले टीचर हैं, हम प्रैक्टिकल फोकस टीचर हैं, और हम आपके ड्रीम्स को रियलिटी में बदल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास है वो मैजिक इन कोर्सेज में, हमारे मेथडोलॉजी ऑफ टीचिंग में। आज दुनिया में एम्प्लॉयबल स्किल में कम्युनिकेशन स्किल माना जाता है, कि अगर मार्केट में जाना है, चाहे कुछ भी बेचना हो, कम्युनिकेशन स्किल्स होना चाहिए, डॉक्टर तिवारी ने कहा है। तो हमने एक नया कोर्स डाला है, कॉम्प्रिहेंशन एंड कम्युनिकेशन स्किल। हमने ऑल टुगेदर एक नया इलेक्टिव डाला है, इलेक्टिव स्पेशलाइजेशन पैकेज डाला है, जो एग्री बिजनेस मैनेजमेंट के बारे में, ऐसे आगे चलते हैं, लोगों को दिशा दिखाते हैं, और आपका भविष्य बहुत सही हाथों में है। लेकिन एक बार जुहू बीच के पास में एक आदमी गुब्बारे बेच रहा था, सही लौट गए और इसी पंतनगर से जाके टॉप पर पहुंच गए। IAS ऑफिसर बन सकते हैं, प्रोफेसर बन सकते हैं, कॉरपोरेट बिजनेस बन सकते हैं, लेकिन इस बैलून में क्या है ये देखना। थैंक यू वेरी मच।